हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम सौरव शुक्ला, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर सिंस 2010। आज मैं आपसे एक बहुत बड़ा लेसन शेयर करूंगा। एक बार क्या होता है, एक 10 वर्षीय बच्चा जो अपने फादर के साथ हर दिन टहलने के लिए जाता था, ऊंचे पहाड़ों तक वो जाता था, एक दिन वो अपने फादर से कहता है, चलो फादर आज हम रेस लगाएंगे, हम दौड़ेंगे और जो सबसे पहले उस ऊंची चोटी पे जो झंडा लगा हुआ है उसको जो छू कर आएगा वह विजेता बनेगा। पिता उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं, कहते हैं चलो सुबह अच्छी वॉकिंग हो जाएगी। उन्होंने जैसे ही रेस शुरू हुई तो क्या देखते हैं, उनका बेटा तेजी के साथ भाग रहा था। उसके जो पिताजी थे काफी पीछे छूट गए थे। पिताजी रुक गए अचानक से और कुछ करने लगे, अपने जूते से उस पत्थर को, उसके जूते में कुछ पत्थर चले गए थे, उस पत्थर को वो बाहर निकाल रहे थे। अपने पिता से वो कहता, पिताजी रुक क्यों गए? बोले, बेटे मेरे जूते के अंदर पत्थर, कंकड़ पत्थर चले गए, इनको बाहर निकालना जरूरी है। तो उस बच्चे ने कहा, कंकड़ पत्थर तो मेरे भी जूते के अंदर है, लेकिन मैं भाग रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है, इन चीजों के लिए समय नहीं है। लेकिन पिताजी ने समय लिया और उस जूते से कंकड़ पत्थर को बाहर निकालने लगे। उनका बेटा भागता रहा। अचानक से उस बच्चे की जो रफ्तार थी वो कम होने लगी। धीरे धीरे पिताजी पीछे से दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, उन्होंने अपने बच्चे को पा लिया था, वो आगे निकल गए। क्या देखते हैं, उनका बच्चा लेकिन पीछे ही थम गया। वो दौड़ कर वापस आए और अपने बेटे को देखा, वो खून से लथपथ था उसका पैर, उसके जूते को बाहर निकाला, उसको तुरंत उठाकर ले गए मलहम पट्टी कराई और जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक दिया जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि जब रास्ते में कंकड़ पत्थर आ गए थे तो इनको निकालना जरूरी था। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें, प्रॉब्लम को जाने मत दें, बल्कि प्रॉब्लम को पकड़ कर बाहर निकाले। जब तक वो आपके जूते से बाहर नहीं निकलेगी आपको पेन देती रहेगी। इसलिए मेरा मैसेज यही है कि प्रॉब्लम के साथ एक साथ आगे नहीं बढ़ता, प्रॉब्लम को, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कल विशाल रूप ले सकती हैं, उसे तुरंत खत्म कर दें और जीवन में आगे बढ़ जाएं। बात पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। सौरव शुक्ला साइनिंग आउट।